देखो दोस्तों, कभी स्टोनहेंज की फोटोज देखी हैं? सोचा होगा ना, किसने और क्यों बनवाया होगा? इंग्लैंड के विल्टशायर में यह स्टोनहेंज बड़ा ही रहस्यमयी जगह है। सालों से इसके पीछे का राज वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी हैरान करता रहा है। स्टोनहेंज तो कई बड़े बड़े पत्थरों से बना है, एक एक पत्थर करीब करीब 28 टन का। सोचो कितना भारी होगा। बलुआ पत्थर के ये 18 फुट ऊंचे स्लैब्स एक बड़े से घेरे में सीधे खड़े थे। वो घेरा कोई 100 फुट चौड़ा था। उसके अंदर कुछ छोटे छोटे नीले पत्थर भी एक घेरे में खड़े थे और उनके अंदर भी पत्थर थे घोड़े की नाल के आकार में। अब सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी दूर से कैसे लाए होंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ पत्थर तो 300 मील दूर से लाए गए थे, जबकि कुछ सिर्फ 17 मील से। इन्हें लाने के लिए शायद स्लेज या बर्फ के बड़े टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया होगा। अब सोचो, इन पत्थरों को उठाना, खड़ा करना और फिर ऊपर और पत्थर रखना कितना बड़ा काम रहा होगा। शोधकर्ताओं के हिसाब से स्टोनहेंज बनाने का काम करीब 2000 साल ईसा पूर्व शुरू हुआ और कई सदियों तक चलता रहा। इसकी विशालता और पेचीदगी देखकर समझ में आता है ना कि इतना समय क्यों लगा। स्टोनहेंज के रहस्यों को सुलझाने के लिए कुछ लोगों ने हाल के सालों में इन पत्थरों को हिलाने की कोशिश भी की है। उन्होंने नीले पत्थरों को मीलों दूर से उठाया और इंसानों से बने स्लेज पर रखा। एक पत्थर को खींचने के लिए कम से कम 25 लोगों की जरूरत थी। इन पत्थरों की पोजीशन भी एक बड़ा रहस्य है। साफ है कि इनका सूरज के उगने और डूबने से गहरा नाता था। चांद और मौसम को नापने के लिए भी इन्हें बड़ी होशियारी से रखा गया है। तो ये कौन लोग थे इतने बुद्धिमान, अभी तक तो पक्का नहीं पता। इसलिए स्टोनहेंज के राज पूरी तरह से नहीं सुलझे हैं। स्टोनहेंज जैसे स्मारकों को मेगालिथ कहते हैं, यानी बड़े बड़े पत्थर। दुनिया भर में ऐसे कई मेगालिथिक ढांचे हैं। फ्रांस में कार्नैक के खड़े पत्थर, एशिया और अफ्रीका में भी ऐसे कई स्मारक हैं। तो क्या स्टोनहेंज अब भी खड़ा है? हाँ जी, अगर आज इंग्लैंड घूमने जाओ तो स्टोनहेंज के कुछ हिस्से तो देख ही सकते हो। सरकार ने इस जगह को करीब 4000 साल पहले जैसा बनाने की कोशिश की है। तो बताओ, स्टोनहेंज के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।